यस गाइस, आई एम बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, मोस्टली आज बहुत कुछ खत्म कर देंगे हम लोग। जो पार्शियल फ्रैक्शंस का जो लास्ट टाइम कारवा स्टार्ट किया था वो आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे इसमें। बेसिकली आज मैं ट्राई करूंगा कि पूरा पार्शियल फ्रैक्शंस खत्म ही हो जाए। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडी। ठीक है, लेट आई इज इंटीग्रेशन 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? लेट आई इज इंटीग्रेशन 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपने को पता है अपने को क्या करना है। अपने को पहले नीचे वाले के लिए सोचना है। नीचे वाले के लिए क्या सोचना है कि वो फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालू तो मेरे को क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन क्या फैक्टर्स निकल रहेगा देखो। पहले 4 इंटू 4 में 3 कब आएगा? जब 4 इंटू 1 करोगे तो माइनस 4x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है? सो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन कुछ कॉमन 4, क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स। यहाँ पे कुछ कॉमन माइनस एक्स, अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी। तो अंदर क्या बचेगा? प्लस एक्स। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स डीएक्स। क्लियर है? सो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डीएक्स। अब इसके आगे का बहुत चिंदी पार्ट है, वो सबको आता रहेगा। ठीक है, तो कर सकते हो। चलो करो, क्या करोगे? लेट 2x अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन 4 प्लस एक्स प्लस बी अपॉन 1 माइनस एक्स। आई थिंक इसके आगे का सबको आता है। तो पॉज करो, वो करो खुद से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? पॉज करो पहले। इज डन नाउ, हो गया रहेगा आई थिंक। तो वेरीफाई करते हैं, चलो देखते हैं। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस एक्स प्लस बी इंटू 4 प्लस एक्स। सो देयरफॉर क्या करूंगा मैं पहले ए का इधर इसको जीरो करूंगा तो पुट x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 डायरेक्टली लिख लू क्या मैं प्लस बी इंटू 4 प्लस 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 5b। ठीक है, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2/5 आई थिंक मिला बी। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुट इसको जीरो करने के लिए एक्स को क्या पुट करोगे? माइनस 4। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। सो देयरफॉर 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस बी इंटू 0 आई थिंक। सो देयरफॉर 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 5a। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 8/5। ठीक है, सो देयरफॉर 2x अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए कितना है भाई? माइनस 8 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस एक्स। ठीक है, बी कितना है? प्लस 2/5 इंटू 1 माइनस एक्स। बराबर, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डीएक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 8 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2/5 इंटू 1 माइनस एक्स द होल का डीएक्स। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 प्लस एक्स डीएक्स प्लस 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डीएक्स। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 8 अपॉन 5 लॉग ऑफ मोड ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2/5 लॉग ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। बट फिर भी ये रॉन्ग है क्योंकि माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लो। सो देयरफॉर डायरेक्ट मैं लिख लेता हूं क्या है ये। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? माइनस 2/5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? लॉग ऑफ मोड ऑफ 4 प्लस एक्स
ठीक है, प्लस सॉरी फोर टू जाए तो फोर लॉग ऑफ मॉड ऑफ फोर प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टू, खत्म। ये अपना फाइनल आंसर है। तुमको चाहिए एक साथ में लिखना है लॉग को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू बाय फाइव लॉग ऑफ मॉड ऑफ फोर प्लस एक्स द होल रेस टू फोर प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस एक्स, कॉमन ले लोगे तो फोर प्लस एक्स द होल रेस टू फोर इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, खत्म करो ये, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो डन, ओके आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो डन, ओके नाउ थोड़ा सा लंबा मेथड है, प्रोसेस है, बट ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन सिक्स एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन और माइनस वन सॉरी डीएक्स। कैसे करेंगे, नो सिंपल है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कर लोगे? चलो करो फिर। सो डिवाइड करना अपने को पहले, सबसे पहला काम तो ये है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, हाँ रॉन्ग लिखा मैं, तो सिक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन और यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। इसका इसका फर्स्ट टर्म होता सिक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर, कैंसल कैंसल बचे आता है एक्स, तो एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब टू टू द फोर एक्स इंटू एस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस का बनेगा माइनस, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, तो एक आंसर यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, बरोबर बरोबर ना, ओके। इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय थ्री एक्स स्क्वायर, कैंसल बचे आएगा वन बाय थ्री, तो प्लस वन बाय थ्री, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री एक्स, अरे हाँ या ना भाई टू बाय थ्री एक्स ना, ओके माइनस वन बाय थ्री माइनस, प्लस का बनेगा माइनस, प्लस का बनेगा माइनस, माइनस का बनेगा प्लस, कैंसल क्या हो जाएगा भैया टू एक्स माइनस टू बाय थ्री एक्स, तो टू माइनस टू बाय थ्री सिक्स माइनस टू अपॉन थ्री फोर बाय थ्री आई थिंक, यस फोर बाय थ्री एक्स, ठीक है माइनस ऑफ हो जाएगा सेवन माइनस वन बाय थ्री ट्वेंटी वन माइनस वन अपॉन थ्री ट्वेंटी बाय थ्री, यस माइनस ऑफ ट्वेंटी बाय थ्री। अब इसके आगे हो नहीं सकता ये, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है इधर एक्स है, ये क्या है क्वेश्चन, ये क्या है डिवाइजर, ठीक है ठीक है डिविडेंड, ठीक है रिमाइंडर। सो अपने को पता है सिंस क्या यू नो दैट क्या पता है भाई अपने को डिविडेंड
डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो देयरफॉर डिविडेंड क्या है, 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, 3x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 1/3 प्लस रिमाइंडर क्या है, 4/3x माइनस 20/3, ठीक है. सो देयरफॉर 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3 प्लस ऑफ 4/3x माइनस 20/3 अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 1. अब इसको क्या करूंगा मैं, लेट बाद में इंटीग्रेट पे ध्यान दूंगा. तो लेट 4x, बट अपने को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टर्स निकाल लो रफा, 3 × 1 = 3 के टेबल में 2, 3 × 1 = बराबर. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं ऐसा तो क्या मिलेगा, ये 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, उधर ही करता हूं उस साइड का. सो देयरफॉर 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3 बराबर, 2x प्लस 1/3 प्लस ऑफ 4/3x माइनस 20/3. साइड में इसका फैक्टर्स निकाल के रखो, चाहिए तो साइड में कर लो, ये 3x² प्लस 2x डायरेक्ट लिखो वहां पे माइनस 1. इसका फैक्टर्स निकालोगे तो 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1, कुछ कॉमन 3x, अंदर x प्लस 1, यहां से कुछ कॉमन माइनस 1, अंदर x प्लस 1, तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, ठीक है, ये फैक्टर्स निकल गया. चलो फटाफट फिर, सो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, आई थिंक सो. ठीक है, नाउ लेट 4/3x माइनस 20/3 अपॉन x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है. सो देयरफॉर 4/3x माइनस 20/3 इज इक्वल टू a इंटू 3x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 1. पहले इसको जीरो, तो पुट क्या करोगे भाई, पुट क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1/3, यस. सो देयरफॉर 4/3 इंटू 1/3 माइनस 20/3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1/3 प्लस 1. सो देयरफॉर 4 अपॉन 9 माइनस 20/3 इज इक्वल टू b 4/3 हो जाएगा, ये भी भाई आया ना, यस, 3 कैंसिल करो, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 20 इज इक्वल टू 4b. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइड में कर रहा हूं उधर. सो देयरफॉर 4 माइनस 60 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4b. सो देयरफॉर माइनस 56 अपॉन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू b, यस. 4 × 1 = 4, 1 = 4, 4 × 4 = तो मिलेगा कितना b का वैल्यू, माइनस 14/3, यस. नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, सो देयरफॉर माइनस 4/3 माइनस 20/3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0. सो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस 24/3 इज इक्वल टू माइनस 4a बराबर. सो देयरफॉर माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4a इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 आई थिंक, ठीक है. पहले इधर तक कंटिन्यू करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. चलो फटाफट, यस डन. मैं ये पार्ट ड्रॉप कर रहा हूं.
मिलता है देखते हैं हम लोग। सो देयरफॉर 4 बाय 3 एक्स माइनस 20 बाय 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 3 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना मिला 2 बाय एक्स प्लस 1 और बी का वैल्यू कितना मिला माइनस 14 बाय 3 इंटू 3 एक्स माइनस 1। सो देयरफॉर 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 1 बाय 3 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 14 बाय 3 इंटू 3 एक्स माइनस 1। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 dx is nothing but integration of 2x plus 1 by 3 plus 2 by x plus 1 minus 14 by 3 into 3x minus 1 the whole dx. So therefore integration of 6x cube plus 5x square minus 7 upon 3x square plus 2x minus 1 dx is nothing but x square क्योंकि 2 to cancel plus x by 3 प्लस 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 14 बाय 3 लॉग ऑफ मोड ऑफ 3 एक्स माइनस 1 द होल डिवाइड बाय 3 प्लस सी। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 डी एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 3 प्लस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 14 बाय 9 लॉग ऑफ मोड ऑफ 3 एक्स माइनस 1 प्लस सी। खत्म। सिंपल सम है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी is x square plus x minus 1 upon x square plus x minus 6 integration dx। मैं यहाँ पे power same है तो भी problem है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले adjustment कर लेंगे। तो adjustment करते time पे अपने को पता है नीचे minus 6 दिया है तो ऊपर भी minus 6 चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं minus 1 minus 6 plus 6 कर दूंगा upon एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स। सो ये मेरे को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डबल डी एक्स। ये तो कैंसल, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस फाइव अपॉन नीचे वाले का फैक्टर साइड में निकाल के रखो जैसे लास्ट टाइम किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स आई थिंक मिलेगा 3 टू जा, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 एक्स कॉमन एक्स प्लस 3 अंदर माइनस 2 कॉमन एक्स प्लस 3 तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 द होल का dx, ठीक है। लेट 5 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। आई थिंक इसके आगे का सबको आता है। सो देयरफॉर 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 3
प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, पहले इसको जीरो पुट, x इज इक्वल टू माइनस थ्री, सो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस थ्री माइनस टू, सो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस फाइव बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है उस साइड लिख लेता हूं मैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू टू, सो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू ए इंटू टू प्लस थ्री प्लस जीरो, सो देयरफॉर फाइव इज इक्वल टू फाइव ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो देयरफॉर फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स माइनस टू माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल डी एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री द होल डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री सॉरी द होल डी एक्स, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस टू माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस सी, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स इज नथिंग बट एक्स प्लस लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी, क्लियर है, ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। चलो कर लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। डन, चलो नेक्स्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 द होल डी एक्स, क्या मैं 4x स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर सकता हूं? ऑब्वियसली 2x द होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या मैं लिखू, क्या होता है पता है सबको, a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी दैट इज 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 dx। अभी क्या आगे का सबको आता है, थिंक कर सकते हो, पॉज करके तुझसे करो यहां पे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो वेरीफाई करते, लेट 2lx स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन 2x प्लस 1 प्लस b अपॉन 2x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 3। तो सर क्या हमको यहां से ये समझता है जब डिनोमिनेटर का पावर बढ़ा रहेगा न्यूमरेटर से, सॉरी न्यूमरेटर का पावर बढ़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड पहले, फिर अगर नहीं हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शंस, और जब सेम रहेगा तो पहले एडजस्टमेंट, फिर अगर नहीं हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शंस, परफेक्ट। यहां पे देखो इसका पावर छोटा और वन लेस है, इसके लिए स्ट्रेट अवे पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकते हैं हम लोग।
बट अगर सेम होता पावर तो मैं स्ट्रेट अवे पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं करता, मैं पहले एडजस्टमेंट करके कैंसिल करता फिर पार्शियल फ्रैक्शन पे जाता। बड़ा होता पावर ऊपर वाले का नीचे वाले से तो मैं क्या करता डिवाइड करता फिर देखता आगे, ठीक है। सो देयरफॉर 12x² - 2x - 9 = a (2x - 1) (x + 3) (b)(2x + 1) (x + 3) (c)। क्या मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखू 4x² - 1, ये वही होने वाला ना फाइनली। तो अब क्या पहले इसको जीरो पुट, जीरो करने के लिए का 1/2, सो देयरफॉर 12 × 1/2² - 2 × 1/2 - 9 = ये जीरो प्लस (b)(2×1/2) + (1)(1/2) + 3। ये देखो ये 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, ये भी जीरो ही होने वाला है, एक ही बचेगा फाइनली। तो क्या मिलेगा 12/4 - 2/2 - 9 = b (1+1), ये क्या मिलेगा 1+6/2। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा भाई 3 (-1 - 9) = 7×14/2 (b). सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा भाई देखो 10 - 10 - 3 = -7 (14/2) (b). सो देयरफॉर b = क्या मिलेगा, अरे देखो 14 हो जाएगा, 14 कैंसिल - 1, ठीक है। नेक्स्ट पुट x = पहले 1/2 पुट किया, अब इसको जीरो करने के लिए -1/2 पुट करो। सो देयरफॉर 12 × -1/2² - 2 × -1/2 - 9 = (a)(2×-1/2) - (1)(-1/2) + 3 + ये तो जीरो, ये भी जीरो भाई। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 12/4 - -2/-2/2 - 9 = ये क्या हो जाएगा -1 - 1, ये क्या -1 + 6/2, हाँ या ना, ठीक है। सो देयरफॉर ये क्या मिलेगा मेरे को 3+1 - 9 = 5/2 × 2, तो -10/2 (b). या फिर मैं कैंसिल कर दू 2 तो क्या मिलेगा भाई -5 (b). देखो इधर 4 - 5 = -5 (b). सो देयरफॉर ए था ना ए ए, सो देयरफॉर a = 1। नाउ पुट x = -3 इसको जीरो करने के लिए। सो देयरफॉर 12 × -3² - 2× -3 - 9 = 0 + 0, ए और बी दोनों जीरो, प्लस c × 4 × -3² - 1। सो देयरफॉर 12 × 9 + 6 - 9 = c (4×9=36 - 1). सो देयरफॉर ये क्या मिलेगा 12×9=108 + 6 - 9 = 35 c। सो देयरफॉर 108 - 9 = 99 + 6 = 105 = 35 c। सो देयरफॉर c = मिलेगा 105/35। स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है मेरे को 1 ये 3 अगर नहीं पता है तो 5 से डिवाइड 7 से डिवाइड, c = क्या मिलेगा 3, ठीक है। देयरफॉर 12x² - 2x - 9 upon 2x + 1 × 2x - 1 × x - 3 = (+3) = a। a कितना है भाई 1 upon 2x + 1 बराबर। b कितना है -1 upon 2x - 1 बराबर, ओके। नेक्स्ट c कितना है 3 upon x + 3, अरे हाँ या ना। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 12x³ - 2x - 9 upon 2x + 1 upon 2x - 1
upon x plus 3 dx is nothing but integration of 1 upon 2x plus 1 minus 1 upon 2x minus 1 plus 3 upon x plus 3 the whole ka dx. So therefore integration of final answer ka milega 12x cube x square hai wo 12x square minus 2x minus 9 upon 2x plus 1 into 2x minus 1 into x plus 3 the whole dx is nothing but 1 by 2 kiki x ka coefficient is 2 log of mod of 2x plus 1 again minus 1 by 2 log of mod of 2x minus 1 plus 3 log of mod of x plus 3 plus c. Final statement, therefore integration of 2lx square minus 2x minus 9 upon 2x plus 1 2x plus 1 थोड़ी दिया था क्वेश्चन में क्या दिया था जो क्वेश्चन दिया वही लिखना है फाइनल. तो 2lx square minus 2x minus 9 upon 4x square minus 1 into x plus 3 the whole dx is nothing but क्या मैं इसको लिखूं log of mod of root of 2x plus 1 upon 2x minus 1 ध्यान से देखना into x plus 3 the whole का cube plus c. ये बहुत तगड़ा फॉर्मेट दिख रहा है यहां पे. यस कॉपी करो फटाफट स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ेंगे. नीचे वाला नहीं दिख रहा ये अब दिखेगा. इस डन चलो आगे बढ़ते. चलो आगे बढ़ते. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेस टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 फैक्टराइज हो रहा है क्या नीचे वाला देखो ध्यान से. आई थिंक हो जाएगा माइनस 1 4 5 आर यस प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20 dx. साइड में करके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट करना है तो वो भी कर सकते हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से. कुछ कॉमन x स्क्वायर अंदर का x स्क्वायर प्लस 5, कुछ कॉमन 4, अरे अंदर का x स्क्वायर प्लस 5, अगर ऐसा आया ही नहीं तो फैक्टराइज क्या हुआ फिर कुछ नहीं. therefore I is equals to का इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x square plus 5 into x square plus 4 the whole dx. अब ये तो नहीं हो सकता है बट स्क्वायर 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 तो क्या मैं पुट करूं भाई. क्या पुट किया हम लोग ने ऐसा x square is equals to m only for finding partial fractions. ये बहुत important statement है. हम लोग जो पुट कर रहे हो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए डेरिवेटिव वगैरह का जरूरत नहीं है यहाँ पे. देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 अपॉन m प्लस 5
इनटू एम प्लस फोर, ये क्या चेंज होगा क्या डीएम? नहीं, डीएक्स ही रहेगा वो. लेट टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस फाइव इंटू एम प्लस फोर इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम प्लस फाइव प्लस बी अपॉन एम प्लस फोर. सो देयरफॉर टू एम माइनस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू एम प्लस फोर प्लस बी इंटू एम प्लस फाइव. अरे इसके आगे का आई थिंक सबको आता है, अभी पॉज करके खुद से करो फिर वेरीफाई, पॉज करके खुद से करो फिर वेरीफाई. डन, चलो आगे बढ़ते हैं, वेरीफाई करते हैं. क्या पहले इसको जीरो, तो पुट एम इज इक्वल टू माइनस फोर आई थिंक, यस. तो जब एम को माइनस फोर पुट करोगे क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू माइनस फोर प्लस फाइव. सो देयर फोर टू फोर जा एट, माइनस एट माइनस वन इज इक्वल टू ए सॉरी बी. So therefore B is equals to क्या मिलेगा भाई, माइनस नाइन. अरे हाँ या ना, B is equals to क्या मिलेगा, माइनस नाइन. नेक्स्ट अब इसको जीरो पुट क्या करोगे, माइनस फाइव. पुट M is equals to माइनस फाइव, therefore टू इंटू माइनस फाइव माइनस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू माइनस फाइव प्लस फोर प्लस, ये तो जीरो होना ही चाहिए. Therefore, 2 5s are 10, minus 1 is equals to a into minus 1. So, therefore, minus 11 is equals to minus a. तो a का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, 11. So, therefore, 2m minus 1 upon m plus 5 into m plus 4 is nothing but 11 by m plus 5, if I'm not wrong, yes, minus 9 by m plus 4. Therefore, integration of 2m minus 1 upon m plus 5 into m plus 4, the whole dx is nothing but integration of 11 by m plus 5 minus 9 by m plus 4, the whole dx. Kya main re-substitute karu? By re-substituting value of m, kya milega mere ko? Integration of 2x square minus 1 upon x square plus 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डीएक्स इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिखू भाई, 11 अपॉन, क्या मैं इसको लिख लू एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर. ऐसा नहीं लिखा तो भी चलेगा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है तो, यस. माइनस इसको मैं लिख लू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, तो होल डीएक्स. इंटीग्रेशन छोटा पड़ रहा है, ठीक है. सो देयरफॉर मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा भाई, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या x रेस टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 द होल dx इज इक्वल्स टू 11 इंटू 1 बाय a दैट इज 1 बाय रूट 5 10 इनवर्स ऑफ x बाय रूट 5 माइनस 9 इंटू 1 बाय ए दैट इज 1 बाय 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस सी. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेस टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20 द होल dx इज नथिंग बट 11 बाय रूट 5 10 इनवर्स ऑफ x बाय रूट 5 माइनस 9 बाय 2 10 इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस सी. ये अपना क्या है फाइनल स्टेटमेंट. सर ये एम वाला कब जनरली पुट होता है ये कैसे समझेगा, जब नीचे वाले से दो लेस ऊपर वाले का पावर हो. जनरली मैक्सिमम केसेस में ऐसे होगा कि जब नीचे ऊपर वाले का पावर टू लेस होगा नीचे वाले से, नहीं तो ज्यादा करके पुट करने का जरूरत पड़ेगा नहीं. सिंपल सम्स कर रहे हैं वही, अभी सब कुछ हो चुका है पार्शियल फ्रैक्शंस में भी, अपना वही चीज रिपीट 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 करते जाएंगे. तो प्रैक्टिस करो यहां पे पॉज करके बाकी के सब सम्स, क्लियर है, फिर आगे बढ़ो, ये एडवाइस है मेरा. चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे.
यस डन। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट एट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब मेरे पास ऑप्शन है यहां पे, क्या ऑप्शन है कि मैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन और इधर एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू करके फिर वापस ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करूं। बट मेरे को एक और चीज पता है कि इसका पावर एक्स रेस टू फोर आएगा, इसका पावर स्क्वायर है, सब स्क्वायर 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 के टर्म है, तो क्या मैं पुट करूं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ओनली फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओनली फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम प्लस थ्री अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डी एक्स। पॉज करके कुछ से फटाफट ये हो ही जाना चाहिए, सब जिसको नहीं आ रहा हम लोग गधे लोग हैं। चलो वेरीफाई करते हैं, लेट एम प्लस थ्री अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू सॉरी इज इक्वल्स टू ए अपॉन एम माइनस वन प्लस बी अपॉन एम माइनस टू। देयरफॉर एम प्लस थ्री इज इक्वल्स टू ए इंटू एम माइनस टू प्लस बी इंटू एम माइनस वन। अब क्या इसको जीरो तो पुट एम इज इक्वल टू टू पहले, सो टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो प्लस बी इंटू टू माइनस वन, सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू फाइव मिल जाएगा फटाफट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इसको जीरो पुट करने के लिए पुट एम इज इक्वल टू वन, सो देयरफॉर वन प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस टू प्लस जीरो, सो देयरफॉर फोर इज इक्वल टू माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू माइनस फोर मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एम प्लस थ्री अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन एम माइनस वन प्लस फाइव अपॉन एम माइनस वन सॉरी एम माइनस टू। यस, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एम प्लस थ्री अपॉन एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर अपॉन एम माइनस वन प्लस फाइव अपॉन एम माइनस टू द होल डी एक्स। देयरफॉर बाय रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एम क्या मिलेगा मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर अपॉन क्या मैं इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू इसको क्या मैं लिखो एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर डी एक्स। सो क्या मिलेगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू डी एक्स इज नथिंग बट माइनस फोर इंटू वन बाय टू ए दैट इज वन बाय टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कौन भाई हिंदुस्तान नीचे वाला स्ट्रॉन्ग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, उल्टा बोल रहा हूं मैं, नीचे एक्स प्लस वन ऊपर एक्स माइनस वन। ठीक है, प्लस फाइव इंटू वन बाय टू ए दैट इज वन बाय टू रूट टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ अगेन हिंदुस्तान तो एक्स प्लस रूट टू
x minus root 2 upon x plus root 2 plus c. So therefore, integration of x square plus 3 upon x square minus 1 into x square minus 2 dx is nothing but minus 2 log of mod of x minus 1 upon upon x plus 1 plus 5 upon 2 root 2 log of mod of x minus root 2 upon x plus root 2 plus c. Khatam. Yes, done. Kuch kar lo ye bhi, fir aage badhenge hum. It's done. Screenshot level.